कपकोट के जनता इंटर कॉलेज फरसाली में हरेला सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय की शिक्षक गिरीश चंद्र पैंतोला के नेतृत्व में शिक्षकों तथा छात्रों ने पौधरोपण किया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील पांडे ने शिक्षक सुनील पैंतोला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पौधरोपण के साथ साथ पौधों के संरक्षण का भी प्रयास करना होगा, तभी इस कार्यक्रम के आयोजन की सार्थकता है। इधर मंडलसेरा में देवकी लघु वाटिका के संचालक वृक्ष प्रेमी किशन सिंह मलड़ा ने हरेला महापर्व के लिए 5000 से अधिक पौधों का वितरण किया है, जिनका हरेला पर्व के दिन रोपण किया जाएगा। जनता इंटर कॉलेज फरसाली की ओर से पूरे क्षेत्रवासियों को और सभी अपने विद्यालय के बच्चों को जो भी घर पर हैं कोरोना की वजह से हमारे नज़दीक में नहीं है, उन्हें हरेले की बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि सभी लोग अपने घरों में आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा छायादार फलदार वृक्षारोपण करें और लोगों को भी जागृत करें, वृक्षों को उसके बाद उनकी देखभाल करते रहें। और इसी हरेला सप्ताह जो मनाया जा रहा है, हरेला कार्यक्रम जो मनाया जा रहा है 16 जुलाई को, तो उसमें हमारे विद्यालय के शिक्षक श्री गिरीश चंद जी के द्वारा काफ़ी लंबे समय से बच्चों के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है और बच्चों के द्वारा और उनके द्वारा स्वयं इसमें वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें फलदार वृक्ष भी हैं, छायादार भी हैं, चौड़ी पत्ती चारे वाले हर तरह के वृक्ष हैं और बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि घर के आसपास भी वो लगाते रहें। हरियाली और प्राकृतिक चेतना के प्रतीक पर्व हरेला को इस बार हमने पूरे सप्ताह भर मनाने का निश्चय किया है और इस कार्यक्रम में हम स्थानीय स्वयंसेवी छात्रों की मदद से, अपने साथी अध्यापकों की मदद से, प्रधानाचार्य जी की मदद से एक ऐसा मैसेज देने का हम प्रयास कर रहे हैं जिससे मनुष्य, हम सब लोग, आने वाली हमारी पीढ़ी प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझे और एक संवेदनशील मानव का, एक संवेदनशील युवा पीढ़ी का निर्माण हो, ऐसा संदेश देना हमारी इस मुहिम, इस कार्यक्रम का, इस अभियान का उद्देश्य है। और इस अभियान में जितने भी हमारे विद्यार्थी, स्वयंसेवी विद्यार्थी हैं, हमारे साथी हैं, प्रधानाचार्य जी हैं, मैं सभी का और तनुज तिरवा जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जो हमारे इस तरह इस ऐसे जो जितने भी हम कार्यक्रम करते हैं उन कार्यक्रमों में वो हमारा बहुत साथ देते हैं। निश्चित रूप से आदरणीय तनुज तिरवा जी और CCN न्यूज़ का मैं विशेष आभार कर व्यक्त करना चाहूँगा और आने वाले समय में भी आप सब लोगों के स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद से ऐसे कार्यक्रम करते रहने का हम प्रयास करेंगे। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुआ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।